अवैध कब्जा करो और हाथों हाथ छत बनाओ, हम आपके आशियाने को नहीं तोड़ेंगे। नगर पालिका चेयरमैन का यह बयान किन किन को फायदा दे सकता है? आज शहर में कोई ऐसा वार्ड नहीं जिसमें कब्जा ना हो। एक भूमाफिया अपने कब्जे को पूरा करने के लिए हाथों हाथ छत का निर्माण कर सकता है, वहीं एक गरीब जिसे चार दीवारी करने में भी कई साल लग जाते हैं, उन्हें नगर पालिका को तोड़ने का अधिकार है और दोबारा बनाने की भी अनुमति नहीं है। जहां जननेता जनप्रतिनिधि अवैध कब्जों का निर्माण कर रहे थे, वहीं आज अवैध कब्जे का पुनर्निर्माण के लिए भी बोल रहे हैं। अवैध तो अवैध ही रहेगा, उसका पूर्ण निर्माण या अधूरा निर्माण क्या होगा? क्या एक छत लगाकर अवैध निर्माण को वैध कर सकते हैं? एक तरफ हनुमान मिल ने मकानों को ध्वस्त करने को कहा है, वह गलत है। क्या चेयरमैन साहब ने भी उन्हें अवैध मकानों को फिर से बनाने की परमिशन देकर सही किया? जहां मिल परिवार पर अवैध कब्जे करने का आरोप है, वहीं अवैध कब्जे हटाने का भी आरोप मिल परिवार पर ही है। क्या यह बयान उन भूमाफियाओं के लिए है जो अपने कब्जे को पुख्ता करने के लिए अब छत के निर्माण में लग गए हैं और किसी मजदूर किसी किराएदार को वहां बिठाकर अपना कब्जा पुख्ता कर रहे हैं? अब कुछ भी अवैध ही नहीं रहा, वह वैध हो गया है। अवैध कॉलोनियां सूरतगढ़ में ही नहीं, क्योंकि सभी कॉलोनियों में छत लगी हुई है। अब उन पर पीला पंजा नहीं चलेगा, इसलिए सूरतगढ़ में अवैध अतिक्रमण जैसा कोई वाक्य नहीं दोहराया जाएगा। शहर की जनता को बस इतना ही करना है कि अपना कब्जा करो, हाथों हाथ एक छत का निर्माण करो, या कहें रातों रात एक छत का निर्माण करो, हम उनको पुख्ता कर देंगे। जब किसी वार्ड में कोई कब्जे का निर्माण होता है तो उसकी सूचना वार्ड पार्षद को होती है। क्या वार्ड पार्षद उनको रोकता है या नगर पालिका में इसकी सूचना देता है या खुद कह के निर्माण करवाता है, या वार्ड पार्षद इसमें भी कमीशन खाता है? वह कमीशन किन किन लोगों में बढ़ता है, यह कुछ सवाल खड़े कर रहा है। चेयरमैन वार्ड नंबर 4 में 25 लाख रुपए तक का सार्वजनिक निर्माण करवाने की घोषणा कर रहे हैं, क्या इसमें भूमाफियाओं का मनोबल बढ़ेगा? नहीं, वह रातों रात अपना निर्माण नहीं करेंगे। नगर पालिका चेयरमैन का यह बयान क्या रंग लाएगा, ये तो भविष्य ही बताएगा।